जी बहुत ही अच्छा लगा, ये जो सत्वावेद प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो देते हैं यहाँ पर, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा है, सबको आना चाहिए, लेना चाहिए। मतलब एक अपनी हेल्थ के लिए जो काफ़ी मतलब कुछ डिफरेंट है यहाँ पर चीज़ हमने जो देखी है, जो हमने भी कुछ यहाँ पर ख़रीदा है, तो मैं सबको अप्रोच करूँगा यार, काफ़ी अच्छा है। बस आपको कैसा लगा? क्या सर, अच्छा है यहाँ पे, और ऑर्गेनिक चीज़ें तो ऑफकोर्स मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों से ये अच्छा ही रहेगा, सो लेट्स गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। ऑल द प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिव एंड गो फॉर इट प्लीज। यू मैम? बहुत अच्छा लगा। The trend is going on for the organic product. That's the reason we have came here, and we found it that it's a budgeted product first and foremost, which is very important for the middle class. It's like the budget is the most important stuff. So we found it every stuff with a very lower budget, and that too a very good product. So I have purchased it, and I truly say to all the people to go for it. That will be my suggestion. Thank you. हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सजेस्ट करना चाहो इसको लेने के लिए तो क्या कुछ करना चाहिए? इधर का मध बहुत प्योर है, और एलोवेरा भी बहुत प्योर है, और बहुत से अभी बहुत चीज़ नहीं मैंने देखा नहीं है। आटा है, आटा भी अच्छा है, आटा भी अच्छा है इधर का। आपने क्या देखा यहाँ पर, आपको क्या पसंद आया? मैंने सब प्रोडक्ट देखा, मैंने खरीदी कर दिया है, वो ये ओट्स लिया और हनी लिया है, अभी आगे देखती हूँ मैं और कुछ लेके। तो आपको क्या पसंद आया इतने प्रोडक्ट में और क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे तो सारी चीज़ें पसंद आई और मैंने लिया भी बहुत कुछ है। एक फ्रेंड है जिसने नारियल का जो शेल होता है उनका उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, कप्स एंड सॉसर्स, इट्स वेरी नाइस, वो भी हमने लिया है। और ऑर्गेनिक मटेरियल में तो सब कुछ, दिस इज़ फॉर अवेयरनेस, जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है जैसे थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, और ये अवेयरनेस के लिए ये लोग ने आगे लिया है कि हम सब सक्सेस हो जाएं, बीमारी ना आए अपने घर में, खास करके इसीलिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या प्रपोज किया, कुछ देखा? बोल दिया। अच्छा, आप बोले, नहीं बोलेंगे? मतलब ऑर्गेनिक चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगी जो मैंने कैरी किया है, कुकिंग ऑयल है, दाल है, सब्जियाँ, मतलब आटा वगैरह जो भी है, तो हम तो मार्केट से ले लेते हैं यही सोच के कि अच्छा ही होगा, बट यहाँ पे जो एक टैग दे रहे हैं ऑर्गेनिक का, वो बेस्ट है, तो एटलीस्ट एक बार यूज़ करके भी देखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। And Sattvaved, which is our brand for the organic products. We have come up with the organic products thinking for the people health ke aaj ke jo life hai usme the life is so fast that people don't have time to think about them.
should invest on food rather than, you know, मोटर फॉर द ऑर्गेनिक क्रिएशन और हम लोग ने ये सत्वावेद चालू किया है लोगों की हेल्थ को देख के नज़र रख के कि कैसे पब्लिक में हम लोग अवेयरनेस कर सके उनके हेल्थ रिलेटेड. आजकल मेडिसिन से ज़्यादा पैसे उसमें जा रहे हैं, बेटर है हम लोग गुड हेल्दी फूड खाएं तो उससे हम लोग लोगों की मास में जाके उनको अवेयर कर सके कि आप जितना हेल्दी खाओगे उतना आपकी आपकी हेल्थ वाइज आपको अच्छा रहेगा. Exhibition is not only going to be one exhibition, this is just an now feel the requirement for falling towards organic food.
आजकल आप देखोगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, बट व्हाट इज मिसिंग राइट नाउ इज दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फूड अवेलेबल राइट नाउ. यहाँ पे जितने भी फूड इन डिस्प्ले है अक्रॉस ऑल काउंटर्स, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक ऑथेंटिक फूड दैट इज कमिंग राइट फ्रॉम द वेरियस फार्म्स. आई हैव एक्चुअली टेस्टेड हनी विच इज वेरी गुड फ्रॉम द हनी फ्रॉम द स्पाइसेस, एंड आई वुड रेकमेंड टुडे दैट एवरीबडी आर थ्रू दिस मीडियम हु इज वॉचिंग, आई वुड अर्ज लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर टू कम डाउन एंड एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग फेयर. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड फॉर अस टू कन्वर्ट फ्रॉम आर सेल्फ फ्रॉम दी सॉर्ट ऑफ लेस ऑथेंटिक फूड टू द ऑथेंटिक वंस. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड थ्री चीयर्स टू सत्यवे, अमेजिंग स्टफ. वुड लाइक टू ऐड collection of products here today, and something that we can use in our day-to-day life and replace chemicals or artificial kind of foods with more natural, plant-based, organic, farmer, direct from farmer to home products. So do give it a shot and come on. Thank you. Thank you. एक फेरन आयोजन करूँ और आटी संख्या में आप सब आई है आप सब भी हूँ स्वागत करूँ. निकिता कहू कि आ बहुत सस्तु है बहुत सारू है, क्या क्या सस्तु हो तो लोग उपयोग करता नहीं कारण आप बता स्टैंडर्ड हमें बढ़ी गयु. ह्यूमन नेचर एवं हो अपना करता नाना लोग अपन गमता नहीं ह्यूमन नेचर एट हूँ ह्यूमन नेचर साथ जोड़ू छू. कोई पैसा वाला के मध्यम वर्गी के गरीब साथ नहीं जोड़वा मांगत. अने दरेक मणस ने एक प्रयत्न हो करता मोटा कोई होने मिली अपने अपना करता कहीं कोई मोटू करू हो तो यहाँ करता मोटू करिए तो लोग बाबा करते. आ एक ह्यूमन नेचर डेवलप थे एट ते कोई भी वस्तु कैपेसिटी करता एनु स्टैंडर्ड के एनु रेट ओछू हो तो एने बहुत जल्दी कैश नहीं थत. तमें जो एक ह्यूमन नेचर की मेगा और मनाली ये तीनों बहनों ने मिलकर ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड का ये कंसेप्ट यहाँ पर लाया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार के फेयर के माध्यम से वो लोगों को देना चाहते हैं. और मैं मानता हूँ कि आज के दिन की आवश्यकता है क्योंकि लोग कॉस्मेटिक के ऊपर एक 10-20 साल हम लोगों ने गवा दिया और अभी पता चला कि नहीं अपने जो मूल भारत देश की जो वस्तुएँ हैं उसी में दम है और उसको फिर एक बार लोग अपनाने लगे. फिर उसमें बाबा रामदेव जी का योगदान होगा, श्री श्री रविशंकर जी का योगदान होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में बहुत बड़ा चेंजेस देश में लाया है. तो ये सामान्य लोगों तक पहुंचाने का ये बहनों का प्रयास है. तो एक सांसद के नाते मुझे इन्होंने बुलाया, मैं आया और मुझे जब ये नए लोग इस प्रकार का काम करते तो बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी हम लोग दिन भर काम करके थक जाते हैं तो लगता है कि हमने ही करना चाहिए कर्तव्य. तो ऐसे समय पर अन्य लोग भी जब समाज के लिए करते हैं कुछ ना कुछ तो हमारा भी थोड़ा हमें भी बल प्राप्त होता है. मैं मानता हूं कि इस सब चीज़ को लोगों तक हमने पहुंचानी चाहिए, लोगों ने इसको अपनाना चाहिए. क्योंकि एक समय ऐसा था कि मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था, तब लोग 100 साल 125 साल तक जी रहे थे. आज मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद में भी लोग 70-80 साल में, अभी तो थोड़ा फिर भी बढ़ गया है, बीच के 10 साल के पहले तो 60-65 के एवरेज में लोग आ गए थे, यानी इतना सारा होने के बाद में भी. तो उसका क्या वजह हो सकता है? मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया लेकिन लोगों का ह्यूमन लाइफ घटते गया. तो मुझे लगता है कि हमने सारे ये नेचुरल चीज़ों को ऑर्गेनिक फूड को लेना बंद कर दिया और उसका ये सारा परिणाम हमको समाज में देखने के लिए मिला. लेकिन फिर एक बार समाज को उस पटरी पे ले जाने का इनका यह प्रयास है. तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. आप मीडिया के लोग भी यहाँ पर आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से, आपकी भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे तो मुझे खुशी होगी. थैंक यू.